हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो उसके साथ जो उसको सपोर्टिंग कंपनीज हैं, वो क्या न्यू स्ट्रेटजीज फॉलो करने वाली हैं, क्या न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑडी, बीएमडब्ल्यू, लेक्सस और एक साथ के प्रोडक्ट जो हमारा जेके टायर्स का है, जो कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर हम जेके टायर्स के प्रोडक्ट कंपनी देती है, फिर हम लगवा देते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑडी और फोक्सवैगन ग्रुप के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि ऑडी जो है वो फोक्सवैगन ग्रुप का पार्ट है और फोक्सवैगन जो है वो काफी सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को ओन करता है। तो इंडिया में ऑडी और फोक्सवैगन काफी सारे नए ब्रांड्स को लॉन्च करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि वो मार्केट को कैप्चर करें, जितना भी उनका स्टेक है वो उससे ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ऑडी ग्रुप जो है वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट लग्जरी कार सेलिंग कंपनी है एज पर द सेल्स। ऑडी नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। साथ ही साथ सर्विस की अगर बात करें तो ऑडी के इंडिया में एट प्रेजेंट 60 टच पॉइंट्स है। इनको भी ऑडी ग्रुप काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आपको कार खरीदने में, कार की सर्विस कराने में, आफ्टर सेल्स में भी काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे ऑडी की क्या स्टेटमेंट आई थी, ग्लोबल लेवल पे ऑडी ने कहा था कि वो 2033 के बाद से इंटरनल कंबशन गाड़ियां, यानी कि जो पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, वो बिल्कुल ही बंद कर देगा, वो सिर्फ ईवी अपने लाइनअप के अंदर रखेगा। और इसका एक प्रूफ ये भी है कि ऑडी ने 2020 के बाद से इंडिया के अंदर कोई डीजल गाड़ी नहीं बेची है, वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां बेच रहे हैं। और 2021 में ऑडी ने 3300 के आसपास अपनी यूनिट सेल किए थे, जो कि 2020 में जब उसकी डीजल गाड़ियां भी बिक्री थी उससे 101% का इंक्रीज था। ऑडी के बाद मूव करते हैं लेक्सस पे। लेक्सस जो कि एक जापानीज लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, इसको हम सब लोग जानते हैं कि ये टोयोटा की एक सब्सिडरी है जो कि लग्जरी सेगमेंट में डील करती है। लेक्सस को इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हुए 5 साल हो गए हैं और 5 साल कंप्लीट करने की खुशी में लेक्सस जो है अपने कस्टमर्स के लिए एक बायबैक प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं फॉर इट्स प्रोडक्ट ES300H। ES300H जो एक लग्जरी सेडान है जो कि लेक्सस इंडिया में बेच रही है, इसके लिए लेक्सस ऑफर कर रहा है कि वो 60% ऑफ इट्स रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि जो भी आपकी गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू बची हुई है 60% ऑफ दैट प्राइस आपसे वो लेक्सस अपनी गाड़ी खुद ही खरीद लेगी। साथ में अगर आप उसके बाद लेक्सस की कोई और गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं तो आपको ब्रांड लॉयल्टी बेनिफिट्स भी देगी लेक्सस। यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी बेनिफिट्स के अंदर आपको एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज एंड काफी सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि पहले ऑफर नहीं होती थी। अब बात करते हैं एक और जर्मन लग्जरी कार मैन्युफैक्चर के बारे में, जो कि है बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, साथ साथ अपने सब्सिडी प्रोडक्ट्स भी जैसे कि कंट्री मैन, मिनी कूपर भी बेच रहा है। तो जो भी लोग बीएमडब्ल्यू लेना चाहते हैं या फिर उनके सब्सिडी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए बैड न्यूज ये है कि अप्रैल 2022 से बीएमडब्ल्यू अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 3.5% से बढ़ाने वाले हैं। बीएमडब्ल्यू की इसके बारे में जस्टिफिकेशन ये आई है दैट सिंस जो अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्सचेंज रेट्स बढ़ गए हैं उसकी वजह से उनकी मटेरियल कॉस्ट साथ ही साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है, इस चीज को ऑफसेट करने के लिए उनको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने पड़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आप बीएमडब्ल्यू लेना चाह रहे हैं, आप अपना कुछ पैसा बचाना चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट अप्रैल से पहले पहले अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं। बात करते हैं जेके टायर्स के बारे में। जेके टायर के बारे में तो हर किसी ने सुना ही होगा। तो जेके टायर्स ने फोर व्हीलर्स यानी गाड़ियों के टायर के अंदर एक न्यू इन्वेंशन या फिर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर, जिसका नाम उन्होंने रखा है एंटी पंचर गार्ड टेक्नोलॉजी। एंटी पंचर गार्ड टेक्नोलॉजी में आपके जो टायर है अगर उसके अंदर ट्रेड से लेकर 6 mm तक का कोई भी पंचर होता है विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट, चाहे वो कीले हो या कोई भी और शार्प ऑब्जेक्ट हो, तो आपके उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको शायद पता भी ना चले। इस टेक्नोलॉजी के अंदर टायर की इनर लेयर के ऊपर एक सेल्फ फिलिंग इनर इलास्टोमीटर कोट अप्लाई किया गया है ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू। इस पूरे कोट के अप्लाई होने के बाद टायर के ऊपर जो 6 mm की ट्रेड से लेकर 6 mm तक की जितने भी डैमेज टायर के ऊपर होंगे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, उनको टायर खुद सेल्फ फिल कर लेगा, यानी कि छोटी मोटी कीले या शार्प ऑब्जेक्ट्स आपकी गाड़ी टायर के ऊपर जो भी डैमेज करते हैं उसके लिए आपको बार बार पंचर की दुकान के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक लॉन्ग रन में आपकी जिंदगी को काफी ज्यादा आसान बना देगा ये। इसको अगर इसकी हम लोग रिलायबिलिटी की हम बात करें तो इसको इंडियन कंडीशंस के ऊपर ही टेस्ट किया गया है, बोथ ऑन रोड एंड ऑफ रोड कंडीशंस। तो अगर आपको ऑफ रोड का भी शौक है तो भी ये टायर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम इस चैनल के ऊपर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी जानकारी, उसके बारे में सारे न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, अपडेट्स या फिर कोई भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास लाते रहते हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक के बारे में कोई वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।